नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेट टू नो अबाउट ओएस सीरीज का यह पांचवा वीडियो है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग विंडोज 10 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जान रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कंट्रोल पैनल की यूजर अकाउंट, रीजन सेटिंग एंड फॉन्ट सेटिंग के बारे में देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग और भी सेटिंग के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल पैनल सेक्शन की कीबोर्ड, माउस सेक्शन एंड पावर ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पावर ऑप्शन एक्चुअली कंप्यूटर की जो पावर है उसको मैनेज करने के लिए दिया गया, मतलब कंप्यूटर कौन से टाइम में जो है स्लीप मोड में जाएगा, कितना देर में मॉनिटर ऑटोमेटिकली जो है डिस्प्ले को बंद कर देगा, इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह आप यहां से देख पाएंगे। सो पावर ऑप्शन में जाने के बाद आपको बाएं तरफ पैनल में आप देख पा रहे हैं कि चूज व्हाट द पावर बटन डू, मतलब जो आपकी कंप्यूटर की जो सीपीयू के अंदर जो पावर बटन है उस पावर बटन को जब आप दबाएंगे तो उससे क्या होगा। तो इस सेटिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब आप कंप्यूटर के पावर बटन प्रेस करेंगे तब जो है शट डाउन हो जाएगा। अगर रनिंग है कंप्यूटर और पावर बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा, और अगर आपके कंप्यूटर में कोई स्लीप बटन है तो उसको भी आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। आप पावर बटन को यहाँ से डिजेबल भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर जब रनिंग रहे तब अगर कोई कंप्यूटर की पावर बटन को हिट करे तो उससे कुछ ना हो। तो मैं यहाँ से डू नथिंग को क्लिक करूँगा, और अगर मैं अभी कंप्यूटर की पावर बटन को क्लिक करता हूँ तो ये कंप्यूटर शट डाउन में नहीं जाएगा। इसके अलावा आप बाएं तरफ और देख पा रहे हैं कि क्रिएट ए पावर प्लान, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है ना कस्टम पावर प्लान भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जो देख पा रहे हैं वो है चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर, अब देखिए बहुत देर तक अगर आपका कंप्यूटर आइडल रहे मतलब कुछ वर्क अप ना करे तो 10 मिनट या 15 मिनट के बाद जो है डिस्प्ले ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो उसकी सेटिंग आप यहां से चेंज कर सकते हैं वो 10 मिनट्स में होगा, 15 मिनट्स में होगा, 20 मिनट्स में होगा। इसके अलावा इसका एडवांस सेटिंग में जाके और भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क वगैरह कितना टाइम को स्लीप होगा ऑटोमेटिकली, आपका जो यूएसबी सेटिंग है वो कैसा रहेगा, आपका जो डिस्प्ले है वो कैसा रहेगा, मतलब उसकी जो पावर सेटिंग है वो कैसा रहेगा, 10 मिनट्स में रहेगा, 15 मिनट्स में रहेगा, इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है जिसे आप ब्राउजिंग करते हैं उसकी जो जावा स्क्रिप्टिंग का जो टाइम फ्रीक्वेंसी है वो कैसा रहेगा। इसके अलावा जो आपका वाईफाई वगैरह है उसमें जो पावर सेविंग मोड है उसमें कोई चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से आप क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। और आप अगर कुछ भी चेंज करने के बाद आपको समझ ना आए और कुछ आप गलत कर दिए तो आप यहां से रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग फॉर दिस प्लान कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि विंडोज़ का जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पावर प्लान है वो अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग है, जैसे कि बैलेंस रिकमेंडेड प्लान में है, इसका अगर सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है कि पावर सेवर मोड, इसमें अगर आप टिक करेंगे और इसकी चेंज सेटिंग करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो टर्न ऑफ डिस्प्ले टाइम है वो 5 मिनट्स है, वो और भी कम है। नेक्स्ट नीचे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं सो एडिशनल प्लान में आप जाके देख सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस का एक ऑलरेडी प्लान क्रिएटेड है। अगर आपको ये सब प्लान पसंद नहीं आ रहा है आप अपने हिसाब से मैनुअल प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए पावर प्लान के हिसाब से। सो ये पावर सेक्शन में आप जो है कंप्यूटर की पावर की रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है, या अगर आपके पास लैपटॉप है उसके अंदर आपको बैटरी का ऑप्शन एंड आपकी जो स्क्रीन की जो लीड है मतलब जो स्क्रीन आप बंद या खोलते हैं तो उसकी भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम लोग जाएंगे वो है कीबोर्ड, आपकी जो कीबोर्ड है कंप्यूटर की उसकी जो सेटिंग है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं है कि रिपीट डिले कितना है और रिपीट रेट कितना है। जब आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो नेक्स्ट बार जब आप बटन को दबाते हैं, एक ही बटन को दो तीन बार दबाते हैं, उसकी रिपीटिंग स्पीड क्या है उसके ऊपर ये सेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पर कर्सर ब्लिंकिंग रेट, कोई भी जगह पे ये ब्लिंक करता है मतलब उस जगह से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो जो ब्लिंकिंग रेट है वो कैसा होगा, वो आप फास्ट इस तरह से चाहते हैं या बहुत स्लो चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि नीचे आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है कि ये जो है स्लो रेट में आपका कर्सर जो है ब्लिंक हो रहा है। ये जो माउस पॉइंटर या कर्सर का जो सेटिंग है इसे आप यहां से बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हम लोग जाएंगे वो है माउस, जो आप माउस को ऑपरेट कर रहे हैं तो माउस की जो सेटिंग है वो आप कैसे बदल सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड है,
आप लेफ्ट हैंड में हर चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जो माउस है वो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड में सेटिंग रहता है। अगर आप उसे लेफ्ट में स्विच करना चाहते हैं, उसकी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो बटन है, लेफ्ट एंड राइट बटन, एंड उसकी जो स्क्रॉल जो है, उसकी जो पॉइंटर है, उसके सारे सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बटन स्विच करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो ब्लू कलर है वो चेंज हो रहा है, मतलब मेरा जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट क्लिक है वो लेफ्ट हो जाएगा। और जो डबल क्लिक आप कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं तो वो कितना फास्ट एंड कितना स्लो होगा उसका सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब में आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पॉइंटर है उसका सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ना एक मोटा और ब्लैक कलर का एक पॉइंटर आ जाए माउस का, तो उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ बाय डिफॉल्ट बहुत सारे आपको माउस पॉइंटर देता है, इसमें से मैं विंडोज़ ब्लैक लार्ज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें से जो है ना ये लार्ज वाला जो माउस का पॉइंटर है इसे मैं अभी ओके एंड अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है। सो यहाँ से आप पॉइंटर सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है इनेबल पॉइंटर शैडोज, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे सो क्या होगा कि पॉइंटर के ऊपर जो माउस पॉइंटर है उसके ऊपर आपको एक शैडो टाइप का, एक छाया टाइप का दिखाई देगा। अगर आप इसे अनटिक करके वापस अप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं वो छाया का निशान गायब हो गया। पॉइंटर के रिलेटेड और भी ऑप्शंस आप यहां से देख पा रहे हैं कि पॉइंटर जो मूव होगा वो कितना फास्ट होगा, उसके साथ कोई भी चेंजेस अगर आप और करना चाहते हैं तो इसे आप यहां से चेंजेस कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग एंड पावर ऑप्शन के बारे में आज हम लोगों ने देखे। आने वाले वीडियोस में हम लोग कंट्रोल पैनल की और भी सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।